पायल भुलाइल बाकी झुमकाए रानी, बोलत ना बाड़ू काबा परसानी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, अभी फिलहाल 5 बज रहा है और हम लोग आज लेट कर दिए हैं पहाड़ पहुंचने में, क्योंकि फ्रेंड कॉल ही नहीं किया था। ये देखिए इधर है, ये रोज़ कॉल करता था लेकिन आज कॉल ही नहीं किया, और हम भी अलार्म नहीं लगाए थे जिसके कारण आज लेट हो गया है। अभी पहुँचे हैं, सब कोई दौड़ लिया होगा पता नहीं, फिर भी अभी तो रनिंग हो रहा है, तो चलते हैं फटाक से रनिंग करते हैं। और अभी फ़िलहाल सनराइज़ हो रहा है, इधर का देखिए सीन, और फ़िलहाल हमारे फ्रेंड्स सब भी दौड़ रहे हैं। तो गाइस, अभी हम फ़िलहाल रनिंग करके आए हुए हैं, बहुत थकावट फील हो रहा है, पसीना पसीना हो गए, और भी अभी हमको एक्सरसाइज करना है, तो अभी थोड़ा सा रनिंग करने के बाद थोड़ा सा टहला जाता है, मतलब हमको थकावट लग रहा है इसलिए हम टहल रहे हैं, और पता नहीं किसको कोई टहलता है या फिर नहीं टहलता है, लेकिन हमको रनिंग के बाद और कुछ एक्सरसाइज करने में नहीं बनता, इसलिए हम फिलहाल टहल रहे हैं और यहाँ पे पहाड़ पे बैठे हुए हैं। फादर के बाद जाएंगे और भी एक्सरसाइज करेंगे। वैसे भी आज हम लेट से आए हैं, इस टाइम में हम घर जाते थे लेकिन आज इस टाइम में हम पहाड़ पे ही हैं। कल से अलार्म लगाएंगे तब, हमको लगा फ्रेंड कॉल करेगा लेकिन वो भी कॉल नहीं किया, और हम भी उसको कॉल किए, उसका भाभी कॉल उठाई और बोल रही थी कि वो निकल गया है घर से, लेकिन बाद में फिर कॉल किया कि हम नहीं, मतलब घर में ही था, किधर गया था, तो फिर आया वो, तो वहाँ पर भी अच्छा देर हमको वेट करना पड़ा, तो आया है वो। पहले सारे वर्कआउट हम लोग कर लिए हैं, लेकिन अभी हम लोग बैठे हुए हैं चबूतरा के पास, यहाँ फ्रेंड बैठा हुआ है, लेकिन सारे वर्कआउट करने के बाद अभी हम लोग को नींद टाइप में लग रहा है, पता नहीं, सब कोई थकता है तो पसीना होता है, और हम लोग थोड़ा देर बैठ लिए तो अभी नींद टाइप में लग रहा है। और थोड़ा देर में यहाँ से हम लोग निकलते भी हैं, क्या निकलेगा ना? फाइनली पहाड़ से घर तो आ गए हैं, लेकिन आज पता नहीं क्यों हमको आलस हो रहा था पहाड़ पे दौड़ने में, और फिलहाल हम छुहारा खा रहे हैं और टेरेस पे आए हुए हैं पौधा में पानी देने के लिए। पौधा में आज पानी बहुत कम है, बोले तो सूख गया पूरा पानी, उसमें पानी दे देंगे। आज पता नहीं क्यों आलस हो रहा था, और आज उठ भी नहीं था पाए सवेरे, ऐसे तो उठ जाते थे हम 4 बजे के करीब, लेकिन आज पता नहीं लेट से उठे, कल ज़्यादा थकावट था शायद इसीलिए सोए रह गए, बहुत देह दर्द कर रहा था इसलिए लेट से उठे, आज 5 बजे ही उठे हम लोग, वहाँ 5:30 बजे तक ले, मतलब 4:47 में यहाँ उठे और वहाँ 5 बजे तक ले पहुँच गए हैं। और आज उतना वर्कआउट भी नहीं किए, जैसे कि टायर जो उठाते थे, टायर पे कूदते थे, ये वाला चीज़ नहीं किए, सिर्फ रनिंग किए हैं, पुशअप किए हैं और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज किए, और विशेष कुछ नहीं किए हैं। लेकिन आज दर्द भी नहीं है शरीर में, फिर भी आज छोड़ दी, कि आलस बहुत बड़ा चीज़ होता है। एक बार हम अपने स्कूल में लिखा था, आलस से मनुष्य का सबसे महान शत्रु होता है, आज मुझे आलस ने हरा दिया, लेकिन कल हम आलस से जीतेंगे, कोशिश करेंगे ज़रूर और जीतेंगे भी। और फिलहाल हम पौधा में पानी दे देते हैं, इधर देखिए बाल्टी में पानी लाए नीचे से, क्योंकि ये वाला नल काम नहीं कर रहा है, क्योंकि टंकी में पानी अभी कम है ना, इसलिए ये वाला नल नहीं चलेगा, देखिए नहीं चल रहा है। मेन बात है टंकी हम लोग का ऊंचा में नहीं है, इसलिए ये नल में पानी नहीं आता है, तो हम नीचे से पानी लाए हैं, तो पानी दे देते हैं पौधा सब में। ये वाला पौधा पता नहीं बहुत ज़्यादा सूखता है, ये अड़हुल का फूल, ये एलोवेरा, इसमें भी थोड़ा डालिए देते हैं। कल कौगो फूल फरेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कल टोटली लाल फूल 6 गो होगा। तो गाइज, अभी फिलहाल हम खेत में आए हुए हैं साग लेने के लिए, इधर देखिए साग ले रहे हैं, और इधर में देखिए सब में साग है, अपने से जमा है, बारिश के कारण जमा है, हम लोग डाले नहीं है, हर बार जमता है और जो बिहन इसका गिरता है ना, इसीलिए साग हो जाता है, तो हमने लाया है साग को, ये देखिए लिए हैं, और भी साग तोड़ते हैं, ये देखिए ये झोला ला है, इसी में डालते हैं। पूरा खिंचा है साग,
विदाउट खाद का है, इसीलिए बहुत अच्छा ही लगता है खाने में। खाद वाला ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, और बड़ा बड़ा पत्ता होता है। ये वाला देख ही सकते हैं कितना खिंचा खिंचा है। पूरे आज भर के झोला ले जाएंगे, जितना होगा सब इधर का, सब उधर, वहाँ से वहाँ सब लेंगे। तो इधर देखिए लगभग एक झोला ले लिए हैं, इधर का सारा साग खोट लिए हैं। तो अब घर निकलते हैं, अच्छा देर लगा साग खोटने में। लेकिन एक घर आ गए, साग मम्मी को दे दी और मम्मी साग भी बना दी। तो आज है ब्रेकफास्ट में, ये देखिए रोटी और साग और कद्दू का सब्जी, तो फटाक से खाते हैं। फाइनली गाइस हम नहा के आ गए और फिलहाल 1 बज रहा है, तो हमसे मिलने के लिए धीरज आया और ये आज एक बर्ड लाया हुआ है। तो इधर देखिए यहाँ पे अभी फिलहाल दोनों आपस में खेल रहे हैं। कहाँ से लाए धीरज? ऑनलाइन गोड्डा से। बहुत अच्छा है गाइस, और ये भी लाए, उसके साथ में लाए, कितना अच्छा लग रहा है ना। ये देखिए दोनों को साथ में, आ ऊपर आ जा, ऊपर आ जा, लाओ लाओ लाओ, देखो आ जा। क्या यार तुम्हारा मन नहीं है? सही बोल रहा है, इसका मन नहीं लगता आने के लिए। वैसे बहुत अच्छा लगता है देखने में चिड़िया हमको। पहले पहले तुम खरगोश पालता था ना? खरगोश बहुत था। हाँ खरगोश था, इसके पास अभी लिया है, बर्ड लिया है। इसका नाम पता नहीं, हम लोग भूल रहे हैं क्या नाम है। क्या नाम तो भूल गया ना, याद आएगा तो आपको किसी दिन बताएंगे इसका क्या नाम है। वैसे बहुत अच्छा है। इस देखिए यहाँ पानी का भी दिया गया, इसको ऊपर करके ये पानी वाला भी आप निकाल सकते हैं, ये पानी के लिए है। इधर देखिए इसमें पानी दिया गया है, और ऐसा और एक है इधर, देख दिखाना धीरज, इसमें इसका खाना दिया गया है। खाना वहीं से खरीद के लाए हैं तुम, गोड्डे से खाना भी इसका खरीद के लाया है। वही सिर्फ खाता है कि और भी कुछ खिला सकता है? सिर्फ वही खाएगा ना। हाँ इसको भी डाल दिया, इंडिया का नहीं है ये ना। हाँ इसीलिए चलो सेवा करो, बढ़िया होगा। ठीक है, जब इसका घर में मतलब और भी कुछ इसका व्यवस्था भी किया है कि नहीं? अभी एक घोंसला चाहिए। असला घोंसला उसला होगा गाइस, तो एक बार फिर से हम ब्लॉग बनाएंगे, फिर से आपको इस सब बारे में विस्तार पूर्वक दिखाएंगे। तो अभी फिलहाल चलते हैं खाना खाने के लिए। एक तुम खाना खा लिया है? हाँ खाना स्कूल से खा लिया। ठीक है हम चलते हैं खाने के लिए। खाना में है आज आलू और सोयाबीन का भरी और चावल। मान लीजिए गाइस खाना होना हो गया है, तो अब चलते हैं सोने के लिए, क्योंकि दौड़ के आते हैं थक जाते हैं और नींद भी पूरा नहीं होता है। रात को लाइन कट जाता है 11 बजे तक, कल रात को लाइन कट गया था, नींद पूरा नहीं हुआ। 12 बजे लाइन आया तो 12 बजे सोए हैं, और मॉर्निंग में 4 बजे उठ के भी चल गए, तो अभी नींद लग रहा है। तो चलते हैं अब सोने के लिए और ब्लॉग को भी एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।